2021 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था मथुरा में कि सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो। इस साल भी अयोध्या में उन्होंने अल्कोहल को बैन किया। अयोध्या में शराब बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। पर ये बस एक कहानी है उत्तर प्रदेश की। दूसरी कहानी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को दारू बहुत पसंद है। कई साल पहले उत्तर प्रदेश माना जाता था अपनी छोटी दारू की दुकानों के लिए, जहां ग्रिल के पीछे मानो जानलेवा दारू बेची जाती थी, जबकि दिल्ली में आलीशान स्टोर थे जहां इम्पोर्टेड विस्की बेची जाती थी। पर अब उत्तर प्रदेश देश का कैपिटल बन गया है दारू की सेल्स के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ ने किया कैसे? नई एक्साइज पॉलिसी से, जिसका इम्पैक्ट आप ग्राउंड लेवल पर देख सकते हैं। अल्कोहल की वजह से पिछले साल पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्साइज रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार ने कमाया। 5 साल के अंदर स्टेट का एक्साइज रेवेन्यू 3 गुना बढ़ गया। यूपी सरकार के कुछ ऑफिसर्स ने तो कहा, चीफ मिनिस्टर को दारू नहीं पसंद, पर दारू का रेवेन्यू जरूर पसंद है। तो इस मॉन्क को ओल्ड मॉन्क का रेवेन्यू बहुत पसंद है। ये है कल्पना अग्रवाल, जो है तो ग्वालियर से, पर आज गाजियाबाद के इंदिरापुरम की लिकर क्वीन मानी जाती हैं। कोविड से पहले उनको उत्तर प्रदेश की नई लिकर पॉलिसी के बारे में पता चला, तो जब लॉकडाउन के दौरान वो गाजियाबाद में फंस गई थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नया स्टोर खोलूं। हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस मिला, हमने अपनी शॉप खोली। ये स्टोर बहुत सक्सेसफुल है और आप मानोगी नहीं कि अब उत्तर प्रदेश का 25% लिकर बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। ऐसे बिजनेसेस की वजह से, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू इतना बड़ा है, इस वजह से सरकार कई चीजें कर पा रही है। जैसे इस साल का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पिछले साल से 10% ज्यादा है और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा खर्च कर पा रही है। तो योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी में इतना स्पेशल क्या है कि उनका अल्कोहल रेवेन्यू इतना बढ़ गया है? इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पोंटी चड्ढा कौन है। अब मैं पोंटी चड्ढा की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश की नई लिकर पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि नया पोंटी चड्ढा कोई बन ना पाए। एक समय पोंटी चड्ढा या फिर सरदार गुरदीप सिंह चड्ढा की उत्तर प्रदेश के 14,000 करोड़ के दारू के ट्रेड पर मानो एक मोनोपोली होती थी। पूरी स्टेट में उनकी 57 गोडाउन से जो 5,000 दारू की शॉप्स को सप्लाई करते थे, उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि माना जाता था कि वो यूपी के इलेक्शंस में प्रेडिक्ट कर सकते थे। उनकी हजारों दुकानों में इतने कस्टमर्स आते जिनसे वो समझ जाते कि हवा किस तरह चल रही है। वो बस दारू के ट्रेडर नहीं थे, बल्कि रियल एस्टेट डेवलपर, शुगर मिल ओनर, कोका कोला बॉटलर, बॉलीवुड मूवीज के फाइनेंसर और हॉकी टीम्स के ओनर भी थे। तो ये पोंटी चड्ढा है कौन? पोंटी चड्ढा के पिताजी कुलवंत सिंह पाकिस्तान से उत्तराखंड आए थे पार्टीशन के बाद। उत्तराखंड से फिर वो मुरादाबाद गए, जहाँ एक दारू की दुकान के बाहर वो पकोड़े बेचने लग गए। इसी दुकान में उनका बेटा पोंटी भी उनकी मदद करता था। छोटी उम्र में पोंटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जब वो एक पतंग उड़ा रहे थे और पतंग अटक गई थी एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी लाइन पर, जिसके बाद वो पार्शली हैंडीकैप्ड हो गए। एक पूरा हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया। थोड़े समय के बाद उनके पिताजी ने एक अल्कोहल लाइसेंस लिया मुरादाबाद में और दोनों बाप बेटे इसी बिजनेस में काम करने लग गए। पोंटी चड्ढा को एक बड़ा ब्रेक मिला जब उनको पंजाब में अल्कोहल बेचने का लाइसेंस दिया गया बीजेपी अकाली सरकार ने, क्योंकि उस समय पंजाब की मोनोपोली थी गरचा भाइयों की। बीजेपी अकाली सरकार चाहती थी कि पोंटी चड्ढा इस मोनोपोली को तोड़ दे। थोड़े समय बाद पंजाब में सरकार चेंज हो गई थी, पर कई दिल्ली के सिख लीडर्स ने, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में थे, उन्होंने पोंटी चड्ढा को पंजाब के कांग्रेस के मिनिस्टर से मिलवाया, जिससे उनका अल्कोहल एम्पायर स्टार्ट होने लगा। पोंटी चड्ढा ने फिर अपना ये बिजनेस उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। आप समझ गए होंगे कि ऐसा बिजनेस चलाने के लिए आपको पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कनेक्शन अच्छे चाहिए होते हैं, और अगर आप ये प्रिडिक्ट कर पाओ कि अगला पावरफुल लीडर कौन बनने वाला है आपके इलाके में, तो उससे आपका बिजनेस का फायदा जरूर होगा। ऐसा हुआ पोंटी चड्ढा के साथ जब उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनने वाली। इस वजह से जब मायावती को कोई भाव नहीं देता था, पोंटी चड्ढा अपना रिलेशनशिप बनाने लगे उनके साथ। इसलिए 1995 के बाद जब मायावती चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद पोंटी चड्ढा का बिजनेस ग्रो होने लगा उत्तर प्रदेश में। पर इस बिजनेस की ग्रोथ में एक स्पीड ब्रेकर आया 1999 में, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने लिकर पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक लॉटरी सिस्टम। अब ये लॉटरी सिस्टम होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि लॉटरी सिस्टम की
जाने से कोई बिजनेसमैन अपनी मोनोपोली नहीं बना पाता, तो पोंटी चड्ढा ये बदलना चाहते थे और थैंकफुली 2003 में फिर सरकार बदली और इस बार चीफ मिनिस्टर बने मुलायम सिंह यादव। पर सभी जानते थे कि पोंटी सिंह चड्ढा मायावती के खास आदमी है। इस चीज को भी पोंटी चड्ढा ने बहुत जल्दी बदल दिया और इनफैक्ट मुलायम सिंह यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश की मिड डे मील सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट पोंटी चड्ढा को ही दिया। पर पोंटी चड्ढा के लिकर बिजनेस का भाग्य बदला जब फिर सरकार बदली उत्तर प्रदेश में और नई चीफ मिनिस्टर बनी मायावती। जब वो 2007 में चीफ मिनिस्टर बनी तो पोंटी चड्ढा एक ब्यूरोक्रेट से बहुत क्लोज हो गए थे जो मायावती के खास थे। इस ब्यूरोक्रेट की मदद से पोंटी चड्ढा ने लिकर पॉलिसी चेंज करवा दी जिससे उनको फायदा मिले। जैसे 2008 में मायावती सरकार ने वेस्टर्न यूपी में कई स्पेशल एक्साइज जोन क्रिएट करे, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर और आगरा में, और इन सभी एक्साइज जोन्स का कंट्रोल पोंटी चड्ढा को दे दिया। इसका मतलब था कि वेस्टर्न यूपी अब पूरे पोंटी चड्ढा के कंट्रोल में था। अल्कोहल की सप्लाई चेन में चार प्लेयर्स होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर जो दारू बनाता है, एक होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो दारू को दूसरे इलाकों तक पहुंचाता है, एक रिटेलर जो फाइनली उस दारू को बेचता है, और चौथा हो गया कंज्यूमर जो उस दारू को खरीदता है। इन स्पेशल एक्साइज जोन से पोंटी चड्ढा को एक एक्सक्लूसिव होलसेलर का लाइसेंस दे दिया गया पूरे वेस्टर्न यूपी में। ईस्टर्न यूपी में भले ही स्पेशल एक्साइज जोन क्रिएट नहीं हुए, पर पोंटी चड्ढा ने हाथ मिला लिए दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट से, जैसे बद्री प्रसाद जायसवाल, हर प्रसाद जायसवाल और तिलक राज शर्मा। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पोंटी चड्ढा पूरे उत्तर प्रदेश के लिकर बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे और मानो एक भी बॉटल उनके अप्रूवल के बिना पूरी स्टेट में हिल नहीं सकती थी। याद रहे कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट। तो पोंटी चड्ढा ने एक मोनोपोली बना ली बेसिकली होलसेल ट्रेड में। अब जब होलसेल ट्रेड में एक मोनोपोली बन जाती है तो ये बंदा मैन्युफैक्चर का भी प्रॉफिट चूस लेता है और रिटेलर का भी, क्योंकि सप्लाई चेन की एक स्टेज में मोनोपोली थी। इसका मतलब ये भी था कि कंज्यूमर को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था एक बोतल खरीदने के लिए। ये सिचुएशन और बिगड़ जाती है क्योंकि पोंटी चड्ढा होलसेल ट्रेड में ही नहीं बल्कि रिटेल ट्रेड में भी घुस जाते हैं। उत्तर प्रदेश की 40% रिटेल दुकानों के ओनर पोंटी चड्ढा ही थे। इसी वजह से उस समय उत्तर प्रदेश में अगर आपको एक बॉटल खरीदनी होती थी दारू की तो आपको 5 से 15 रुपए ज्यादा देने पड़ते थे MRP के। ये चीज पब्लिक नॉलेज थी और इसको कहा जाता था मायावती टैक्स या फिर माया प्रसाद, जिसकी वजह से पोंटी चड्ढा 1000 करोड़ और कमा पाए। इमेजिन कीजिए कि MRP से ज्यादा की बॉटल बिक्री थी पूरे स्टेट में। जब पोंटी चड्ढा ने मोनोपोली बना ली होलसेल ट्रेड में और रिटेल की 40% दुकानों पर भी कंट्रोल ले लिया, तो जो छोटे प्लेयर्स थे इस बिजनेस में उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। इसके अलावा जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स थे जैसे जवाहर जायसवाल, जिनका एक समय पूर्वांचल एरिया में बोलबाला था, उनको भी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की दारू की मार्केट में घुसने का बस एक ही तरीका था कि आप दूसरी स्टेट से स्मगल करो दारू को। इस चीज के लिए भी पोंटी चड्ढा के पास एक इलाज था। उन्होंने खुद की प्राइवेट इंटेलिजेंस टीम क्रिएट कर ली, ऑफिसर्स बनाए गए हर डिस्ट्रिक्ट में, जिनको SUV दी गई और प्राइवेट बॉडीगार्ड दिए गए जो बस छानबीन करते कि जो दारू बेची जा रही है वो पोंटी चड्ढा की दारू है या फिर नहीं। ये लोग सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करते बल्कि ये पैरेलल काम कर रहे थे, वो काम जो सरकार को करना चाहिए। पर मायावती से तालमेल की वजह से उनके लिकर बिजनेस को ही फायदा नहीं मिला। जिस ब्यूरोक्रेट ने उनको अपने दारू के बिजनेस के लिए मदद करी थी, उन्होंने उनको शुगर मिल्स भी दिलवाई। CAG ने आरोप लगाया मायावती सरकार पर कि उन्होंने 4 सरकारी शुगर मिल्स बेची थी 2000 करोड़ रुपए की पोंटी चड्ढा को 200 करोड़ रुपए में। अब इस ब्यूरोक्रेट और सरकार को क्या मिला होगा इन कॉन्ट्रैक्ट के बदले, यह आप गैस ही कर सकते हैं। अब पोंटी चड्ढा को ये शुगर मिल्स चाहिए थे क्योंकि शुगर बनाने के बाद एक बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है जिसको मोलासेस कहा जाता है, और इंडिया में विस्की बनाने के लिए ये मोलासेस अल्कोहल से मिक्स किया जाता है। तो पोंटी चड्ढा होलसेल और रिटेल के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के भी बिजनेस में घुस रहे थे ताकि वो पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर पाए। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लिकर पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ ये चीजें रेलेवेंट होंगी। इन शुगर मिल्स डील की वजह से ही 2011 में मायावती सरकार के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। अब कोई भी अच्छा बिजनेसमैन बस एक पार्टी पर निर्भर नहीं होगा, तो जब पार्टी बदली पोंटी चड्ढा अमर सिंह के भी दोस्त हो गए, जिन्होंने उनको अखिलेश यादव से इंट्रोडक्शन करवाया। इसी वजह से अखिलेश यादव की स्वेयरिंग इन सेरेमनी में पोंटी चड्ढा आपको मिलेंगे स्टेज पे। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी पोंटी चड्ढा की कंपनी वेव ग्रुप को
9,000 करोड़ रुपए का मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसी वजह से प्रतीश नंदी ने कहा था एक समय कि पोंटी चड्डा बच्चों को दूध देते हैं और उनके परिवार को दारू। 2012 में पोंटी चड्डा के खिलाफ एक टैक्स रेड भी हुई। पोंटी चड्डा हैज रिफ्यूटेड रिपोर्ट्स दैट कैश टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़ रुपीस हैज बीन सीज्ड फ्रॉम अ मॉल ओन्ड बाय हिम इन नोएडा ड्यूरिंग रेड्स कैरिड आउट बाय द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स। पर इस रेड के बाद सीनियर टैक्स ऑफिशियल एसएस राणा को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया। अपनी इमेज बदलने के लिए उन्होंने कई बिजनेस में घुसने की कोशिश करी और वो चाहते थे कि वो एक नए विजय माल्या बने, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड मूवीज भी फाइनेंस करी और हॉकी टीम्स भी खरीदी। अब मायावती और अखिलेश यादव सरकार के दौरान प्रॉब्लम ये थी कि जो अल्कोहल लाइसेंस बिके थे वो एक ओपन ऑक्शन मॉडल से बिके थे। मुझे थोड़ी देर दो, मैं आपको बताऊंगा कि ये ओपन ऑक्शन मॉडल होता क्या है। पर वो आदमी जो एक समय यूपी के इलेक्शंस प्रिडिक्ट कर लेता था, वो अपनी मौत नहीं प्रेडिक्ट कर पाया। ये तस्वीरें शराब और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी पोंटी चड्डा और उनके भाई हरदीप के अंतिम संस्कार की हैं। पोंटी चड्डा का अपने छोटे भाई के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा था अपने परिवार के फार्म हाउस की जमीन के बारे में। दोनों भाइयों के बीच एक शूट आउट हुआ और दोनों ही भाई मारे गए। उनकी डेथ के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार ने अल्कोहल की पॉलिसी बदली नहीं, उल्टा अटकलें लगाई जा रही थी कि नया पोंटी चड्डा कौन बनेगा, जवाहर जायसवाल या फिर कई और बिजनेसेस। ये लिकर पॉलिसी चेंज हुई 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ सरकार आई। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। 2018 में IAS कल्पना अवस्थी ने पुरानी लिकर पॉलिसी हटा दी और एक नई पॉलिसी क्रिएट करी, जहाँ 36 नए होलसेलर्स को लाइसेंसेस दिए गए, जिससे पोंटी चड्डा की मोनोपोली तोड़ दी गई। योगी सरकार की नई पॉलिसी ने ओपन ऑक्शन सिस्टम को हटाया और एक ई लॉटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसके बारे में मैं और डिटेल्स बताऊंगा, पर कई लोग इस पॉलिसी से इम्प्रेस हुए। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय जी ने कहा कि केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसी स्टेट्स ने भी उत्तर प्रदेश की पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। अब समझते ओपन ऑक्शन और ई लॉटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है, दिल्ली की पुरानी पॉलिसी को कंपेयर करके उत्तर प्रदेश की नई पॉलिसी के साथ। एक सरकार तीन तरीकों से अल्कोहल से पैसे कमा सकती है। पहला तरीका हुआ होलसेलर और रिटेलर के लाइसेंसेस बेचकर। दूसरा तरीका हुआ एक्साइज ड्यूटीज कलेक्ट करके अल्कोहल के मैन्युफैक्चरर से। तो जब भी एक बॉटल एक फैक्ट्री से बाहर जाती है, मैन्युफैक्चरर को एक एक्साइज ड्यूटी देनी होती है सरकार को। और तीसरा तरीका है VAT, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जो एंड कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो अगर आप बिल देखोगे अपना, उसमें एक VAT होता है। अल्कोहल पर GST नहीं लगता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि स्टेट्स अपनी खुद की पॉलिसी डिसाइड कर सके। जैसे गोवा में VAT सबसे कम है, इसलिए दारू भी उधर सबसे सस्ती मिलती है, और कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट। अब जो दिल्ली की पॉलिसी थी, उधर था एक ओपन ऑक्शन सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली सरकार लाइसेंसेस से खूब पैसे कमा सके, जबकि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी में लाइसेंस की कॉस्ट बहुत कम है, बल्कि उनकी प्रायोरिटी है कि वो VAT और एक्साइज ड्यूटी से कैसे पैसे कमाएं। और यही मेन डिफरेंस है दोनों पॉलिसीज में। ओपन ऑक्शन सिस्टम IPL के बिडिंग सिस्टम की तरह है। कई प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं कि हम दारू बेचना चाहते हैं, सरकार के पास कुछ लाइसेंसेस है, लाइसेंसेस की नीलामी होती है, जो जितना ज्यादा दाम देगा उसको वो लाइसेंस मिल जाएगा और लाइसेंस फीस सरकार के पास चली जाएगी। इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में जो आधी रिटेल शॉप्स थी उनको सरकार ही चलाती थी, पर इस पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने कहा कि हम कोई रिटेल शॉप नहीं चलाएंगे, इसलिए हम लाइसेंसेस दे रहे 849 रिटेल शॉप्स के लिए। दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया गया और हर जोन के रिटेल लाइसेंसेस बेचे गए। हर जोन में मैक्सिमम 27 रिटेल शॉप्स ही हो सकती थी। सरकार का ये कहना था कि इन लाइसेंसेस को बेचकर हम अपने सरकारी रेवेन्यू और मैक्सिमाइज कर रहे हैं। पहले हम बस 7,000 करोड़ रुपए कमाते थे, इससे हमें 9,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि पहले वो दारू बेच रहे थे। पर अब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम दारू नहीं बल्कि लाइसेंसेस बेचेंगे। तो दिल्ली सरकार का कहना था कि इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, क्योंकि अब ये दुकानें सरकारी कंपनीज नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे। पर इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। ये सारे लाइसेंसेस क्योंकि एक ओपन ऑक्शन सिस्टम में बेचे जा रहे थे, इसका मतलब था कि बड़े बिजनेसेस ही इन लाइसेंसेस को खरीद सकते थे। जैसे अगर किसी को होलसेल लिकर लाइसेंस खरीदना था, तो उनको सरकार को प्रूफ दिखाना था कि पिछले 3 सालों के दौरान उनका टर्नओवर 150 करोड़ से ज्यादा रहा है, इसलिए छोटे प्लेयर्स इस बिजनेस में घुस ही नहीं सकते थे। उनका कहां से टर्नओवर 150 करोड़ होगा 3 सालों के लिए। इसी वजह से आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी की इस पॉलिसी में फेवरेटिज्म और करप्शन रहा है। जो लाइसेंसेस आपने दिए हैं प्राइवेट होल्डर्स को, आरोप है कि उनसे फायदा लिया गया है। अब ये कोई अकेला विवाद नहीं था दिल्ली की लिकर पॉलिसी में। एक और जो आरोप लगाया गया था वो था कि पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर एक आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई सेम प्लेयर एक से ज्यादा चीज करेगा तो वो प्राइस को कंट्रोल कर पाएगा।
अब ये पॉलिसी में लिखा तो था, पर जब एग्जीक्यूशन में देखा गया कि कई प्लेयर्स एक से ज्यादा चीजें कर रहे थे। पर इन सारे मुद्दों में मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दिल्ली का ओपन ऑक्शन सिस्टम। इस सिस्टम का फायदा यह है कि सरकार को बहुत अच्छी लाइसेंस फीस मिल जाती है, पर नुकसान यह है कि इस सिस्टम में बस बड़े बिजनेसेस ही लाइसेंसेस जीत जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली की पॉलिसी में मोनोपोली बनाना भी आसान था। दिल्ली में 32 जोन थे, पर पॉलिसी के हिसाब से कोई भी प्लेयर एक से ज्यादा जोन के लिए बिड कर सकता था। अब पूरे विवाद के बाद जब आप लीडर्स अरेस्ट भी हुए, तो दिल्ली ने वापस अपनी पॉलिसी बदल दी और वो अपनी पुरानी पॉलिसी में चले गए, जिसका अंजाम है कि अब सारी रिटेल दुकानें दिल्ली में बस सरकारी कंपनीज ही चला रही है। इसी वजह से दिल्ली में कई ब्रांड्स की दारू मिलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जहां 2020 में 800 से ज्यादा दारू की दुकानें थी दिल्ली में, आज बस 566 है। जबकि उत्तर प्रदेश का ई लॉटरी सिस्टम अलग है। उधर सरकार लाइसेंस फीस से पैसा नहीं कमाना चाहती, बल्कि एक्साइज ड्यूटीज से। यानी कि जितनी ज्यादा बॉटलें बिकेंगी उत्तर प्रदेश में, उतना ज्यादा फायदा होगा उत्तर प्रदेश सरकार का। ई लॉटरी सिस्टम किसी भी लॉटरी सिस्टम की तरह है। आपको ऑनलाइन जाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, और फिर उत्तर प्रदेश सरकार की एक लॉटरी होगी जो डिसाइड करेगी कि किसको लाइसेंस मिला। तो इसमें फेवरेटिज्म की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि कौन लाइसेंस जीतेगा। इस सिस्टम में कोई नीलामी नहीं है। इस सिस्टम में एक और फीचर था कि एक आदमी की दो से ज्यादा रिटेल शॉप्स नहीं हो सकती उनके नाम पर, जिससे किसी एक बड़े बिजनेस की मोनोपोली क्रिएट ना हो स्टेट में। जहां दिल्ली में आपको बिजनेस टर्नओवर के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते एक लाइसेंस जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। एक होलसेल लिकर लाइसेंस के लिए आपको बस एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना था, जो बस ये दिखाता था कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है। इस पॉलिसी की वजह से अब कई छोटे लोग अल्कोहल के स्टोर्स खोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जितनी बोतलें बिक रही हैं उसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है। अब यही प्रोसेस चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यूज किया था 1999 में, बस वो सिस्टम ऑनलाइन ही था। पर ये सिस्टम चेंज हो गया था जब मायावती की सरकार बनी। कई अल्कोहल कंपनीज ने यूपी की नई पॉलिसी की तारीफ करी है, जैसे रेडिको खेतान। ये वो कंपनी है जो 8 PM विस्की और मैजिक मोमेंट्स वोडका बनाती हैं, और उनका मार्केट शेयर उत्तर प्रदेश में 8-30% हो गया। रेडिको खेतान के COO अमित सिन्हा ने कहा कि यूपी की पूरे देश में सबसे लिबरल अल्कोहल पॉलिसी है, कोई भी दारू बेच सकता है उधर। पर उत्तर प्रदेश सरकार का फायदा बस अपनी पॉलिसी से नहीं हुआ, बल्कि बिहार की पॉलिसी से भी हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराब बंदी का ऐलान कर दिया। बिहार के नए लॉ की वजह से दारू की स्मगलिंग स्टार्ट हो गई, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिला। 2023 में सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के एक बॉर्डर इलाके में लोग खुशियां मना रहे थे। कई कांवरिया उधर मौजूद थे, और मानो हर घर और गाड़ी में जय श्री राम के नारे थे। पर इस धूमधाम में कई ऐसे भी लोग थे जो इस चीज का फायदा उठा रहे थे। एक गांव के निवासी ने कहा कि सावन के महीने में बिहार में बहुत अल्कोहल स्मगल किया जाता है, क्योंकि ये स्मगलर्स कनवड़िया का भेष पहन लेते हैं पुलिस को चकमा देने के लिए। कई बिहारी नौजवान बॉर्डर क्रॉस करके उत्तर प्रदेश आते हैं, जहां वो कई सप्लायर से कार्टन भर के दारू लेते हैं और फिर वो बिहार में पहुंचाते हैं। तो जो रेवेन्यू का नुकसान बिहार को झेलना पड़ा, उसका फायदा मिल रहा है बिहार के आसपास की स्टेट्स को, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने टारगेट दिया है अपना एक्साइज रेवेन्यू और बढ़ाने का, इसलिए वो कई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे एक पॉलिसी कहती है कि वो मोलासेस के लिकर को हटाकर ग्रेन के लिकर को प्रमोट करेंगे। क्यों? पैसा। अब इसके लिए मैं आपको छोटा सा लेक्चर देता हूँ विस्की पर। इंडिया एक विस्की ड्रिंकिंग कंट्री है। अब जहाँ दुनिया भर में विस्की अनाज या फिर ग्रेन से बनाई जाती है, चाहे वो मेज हो, वीट हो, बार्ली हो या फिर राय हो, इंडिया में ज्यादातर विस्की मोलासेस से बनती है। कई देशों में अगर आप ग्रेन्स नहीं यूज करते विस्की बनाने में, तो उसको विस्की बुलाया नहीं जाता, जबकि इंडिया में मोलासेस यूज किया जाता है, जो शुगर की रिफाइनिंग में एक बाय प्रोडक्ट होता है। इस मोलासेस को फर्मेंट और बॉयल करके एक कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल बनता है, जिसको फिर स्कॉच या फिर दूसरी विस्की से मिक्स किया जाता है, और फिर हमें मिलती है इंडियन मेड विस्की। तो अगर पूरी दुनिया भर में अनाज से विस्की बन रही है, हम मोलासेस को क्यों यूज कर रहे हैं? अब इसके पीछे कारण है अंग्रेज। Here we go again. जब अंग्रेज हमारे देश में थे, तब उनके पास कई शुगर मिल्स थे। इन शुगर मिल्स में भारी क्वांटिटी में मोलासेस था, तो इस मोलासेस से विस्की बनाना उनके लिए आसान था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद याद रहे कि हमारा देश बहुत गरीब था और खाने की कमी थी, तो जब हमारे देश में लोग भुखमरी से मर रहे, कौन अनाज को यूज करके दारू बनाएगा? पर अब ये सिचुएशन चेंज हो रही है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी कई स्टेट्स में लिकर पॉलिसीज बनाई गई हैं, जिससे सप्लायर्स मोलासेस की बजाय ग्रेन यूज करें विस्की बनाने के लिए। ये स्टेट्स फिर अपना ग्रेन का लिकर उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट करती हैं।
पर अब उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि दुनिया भर में अब ग्रेन बेस्ड विस्की बन रही है, इंडिया में भी यही हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश क्यों भला दूसरी स्टेट से इंपोर्ट करे, हमें भी ग्रेन बेस्ड विस्की ही बनानी चाहिए। इसीलिए वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश को दूसरी स्टेट से ऐसा लेकर इम्पोर्ट ना करना पड़े और वो कंज्यूमर्स को वो दे पाए जो वो चाहते हैं। ये लिकर से जो रेवेन्यू मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी वो सेंट्रल सरकार पर निर्भर है अपने रेवेन्यू के लिए। पंजाब पर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सरकार चार तरीकों से पैसा कमा सकती है, अपने टैक्स रेवेन्यू से जैसे लिकर या पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस, अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू से जैसे अल्कोहल लाइसेंसेस हो गए या फिर लॉटरी बेचकर, सेंटर के शेयर के टैक्सेस से चाहे वो जीएसटी हो या फिर इनकम टैक्स, और फिर फाइनली सेंट्रल एड से, यानी कि जब सेंट्रल सरकार किसी स्टेट की मदद करती है। यूपी में प्रॉब्लम ये है कि अभी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत निर्भर है अपने पैसों के लिए, पर उत्तर प्रदेश में ये चेंज हो रहा है जिसके पीछे एक मेजर कारण है अल्कोहल। अब ये लेकर रेवेन्यू जरूरी है सरकार के लिए क्योंकि इतिहास में वो ज्यादा पैसा कमा ही नहीं पाई थी। 1965 और 1985 के बीच उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू बहुत हद तक गिर गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे देश के हिस्सों की तरह मोस्टली एग्रीकल्चर पर निर्भर था, पर इस समय एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स हटा दिया गया और लैंड रिफॉर्म्स किए गए जिससे लैंड रेवेन्यू भी कम हो गया। अब ऐसी ही कहानी दूसरी स्टेट्स में भी थी, पर कई स्टेट्स स्पेशली वेस्ट बंगाल और असम का टैक्स रेवेन्यू इतना कम नहीं हुआ क्योंकि उधर कमर्शियल क्रॉप्स उगाए जा रहे थे जैसे चाय। इन कमर्शियल क्रॉप्स की इनकम पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कमा रही थी, पर उत्तर प्रदेश में कमर्शियल क्रॉप्स नहीं उगाए जा रहे थे, इसकी वजह से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल हो गया। 1990s के दौरान उत्तर प्रदेश में कई कास्ट मूवमेंट्स आई जिसको बुलाया जाता है मंडल पॉलिटिक्स, और कई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत डर रही थी किसी भी वोट बैंक पर टैक्स डालने के लिए, इस वजह से उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू कम ही रहा। अब 1991 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद जहां महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका का फायदा हुआ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स की वजह से, उत्तर प्रदेश पीछे रह गया जिसकी वजह से उनका टैक्स रेवेन्यू कभी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया। अब 2004 के बाद ये सिचुएशन जरूर बदली, जैसे 2005 और 15 के बीच उत्तर प्रदेश का टैक्स रेवेन्यू चार गुना बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स बढ़े उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि पूरा देश में डेवलपमेंट आ रही थी उसका फायदा उत्तर प्रदेश को भी मिला। पर अभी भी सेंट्रल सरकार पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी। अल्कोहल की इम्पोर्टेंस बढ़ी जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। जीएसटी हैज बीन पास्ड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल एंड कैशलेस इकोनॉमी। अब जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद जो सेल्स टैक्स का हिस्सा था वो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती थी, तो फिर उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के पास जहाँ ना ज्यादा इंडस्ट्री है और ना ज्यादा सर्विस सेक्टर, उनके पास कुछ ही रास्ते बने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या तो आप पेट्रोल या फिर डीजल के दाम बढ़ा दो, पर ये बढ़ाना आसान है क्योंकि इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है, इसलिए कोई स्टेट सरकार इसको करना नहीं चाहती। इसी वजह से एक इम्पोर्टेंट चीज थी उत्तर प्रदेश के लिए अपना एक्साइज रेवेन्यू बढ़ाना, और एक्साइज में भी 85% रेवेन्यू दारू बेचकर ही आता है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इतना फोकस किया इस पॉलिसी में। अब वो टूरिज्म और इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जरूर सोच रहे हैं, पर ये चीजें 5-10 सालों में होती हैं, जबकि लिकर पॉलिसी चेंज करने का इम्पैक्ट 2-3 सालों में ही देखा जा सकता है। पर इस चीज में एक दुविधा आ जाती है कि क्या किसी भी सरकार को दारू से पैसा कमाना सही भी है या फिर नहीं। अब ये एक डिबेट है उन लोगों के बीच जो मॉरल है वर्सेस उन लोगों के बीच जो प्रैक्टिकल है। ये जरूर है कि 10 सालों के बीच इंडिया का पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। बहुत रिसर्च ने दिखाया कि कैसे अल्कोहल कंजम्पशन से सबसे बुरा नुकसान घर के बच्चों और महिलाओं पर होता है। डोमेस्टिक वायलेंस और अल्कोहल कंजम्पशन का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुजरात जैसी स्टेट्स में क्राइम कम है अल्कोहल बैन की वजह से, पर हम बिहार का एविडेंस देखेंगे तो ऐसा सच नहीं है। इलीगल अल्कोहल की प्रॉब्लम तो है ही उधर क्योंकि स्मगलिंग तो अभी भी चालू है, पर रिसर्च ने ये दिखाया इनफैक्ट कि क्राइम बढ़ गया है अल्कोहल बैन करने के बाद। तो ये डिबेट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बहुत क्लियर है उत्तर प्रदेश की लिकर पॉलिसी, जहां उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर उत्तर प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना है उनको अपना टैक्स रेवेन्यू कमाना होगा, और वो टैक्स रेवेन्यू आएगा अल्कोहल सेल्स से। जैसे रिसेंटली न्यू ईयर्स और क्रिसमस के लिए भी योगी सरकार ने लिकर की सेल्स टाइमिंग्स 1 घंटे से बढ़ा दी। शराब की फुटकर दुकानों का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया है। नए साल के लिए यूपी आबकारी विभाग का ये फैसला, सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक दुकानें खुलेंगे शराब की। पर योगी आदित्यनाथ के लिए कॉम्प्लिकेशन भी खड़ी हो गई है कि वो कैसे बहुत मॉरल दिखे और दूसरी ही साइड अल्कोहल से पैसे भी कमाए। जैसे सौरभ गोयल ने उत्तर प्रदेश में कई लिकर स्टोर्स खोले हैं, वो लखनऊ में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं पर उनको अप्रूवल नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में एक ऑफिशियल ने बताया कि क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, टॉप लीडरशिप ये नहीं चाहती कि लिकर स्टोर्स का एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाए। नोएडा और गाजियाबाद तो दिल्ली के आसपास हैं, इसलिए उधर स्टोर्स खोले जा सकते हैं, पर ऐसा स्टोर अगर लखनऊ में खुल गया तो पॉलिटिकल बवाल मच सकता है।
तो ये है पॉलिटिक्स की गेम, जहां मंक और ओल्ड मंक उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दोनों अवेलेबल। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। ऐसा ही फाइनेंशियल डीप डाइव आपको देखनी है तो अब ये पंजाब का वीडियो देख सकते हो, या हमने बात करी कि पंजाब सरकार क्यों बैंक करप्ट हो गई है, तो ये वीडियो को देखना।